Good morning, Chini. He's sleeping. मेरी प्यारी प्यारी फिशेस भी ब्रेकफास्ट कर रही है। तो मैं बनाने जा रही हूँ इडली सांभर विथ चटनी दाल चढ़ा दी। My idli is done. Hello friends. Good morning. मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता's live vlog. और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और शॉन्टी अभी भी सो रही है तो मुझे अभी चाय भी बनानी है. मैंने अभी तक चाय पी नहीं है तो चलिए चाय पीते हैं और साथ में शॉन्टी को भी उठाते हैं. इतनी बढ़ गई है, देखो मेरे पैंट्स की क्या हालत हुई है. सब मैं वापस अंदर बालकनी से अंदर ले आई हूँ. देखो जल गया मेरा मनी प्लांट. और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. खुद को ऐसा लग रहा है मैं जाके सो जाऊँ यार, नींद आ रही है बहुत तेज. आज है 20 जुलाई और मॉर्निंग हो चुकी है और अभी मैं भी मस्त सी एक नींद लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे सोने में इतना मज़ा आता है. नहीं, मैं बोलती हूँ पर मैं सोती ही नहीं हूँ. आज मैंने एक रेसिपी शेयर की है नारियल की चटनी, उसका मैंने सेपरेट वीडियो डाल दिया है तो प्लीज़ जाकर के आप उसको भी चेक करिए. बहुत इजी वे में बताया है. कौन आया? क्या हुआ इधर? कौन सी आवाज बेटा? अच्छा सबको हाय बोल दो. हाय. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. नहीं बेटा गुड आफ्टरनून होने वाला है. 11:30 हो गया. अच्छा बेटी इधर देखो, श्वेता बाबू, चीना बाबू, अच्छी नींद आई? बाद में सुनाऊंगी तुम्हें को स्टोरी. मेरी स्टोरी नहीं सपना है. ओ आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. अब सुनो क्या सपना दिखाऊंगी बच्चे ने. एक घर में एक लड़के ने किसी को मारा. वो 24 इयर्स का था. ऐसा सपना देखा उसने और उसमें 24 इयर भी आया तुम्हारे सपने में? हाँ. अच्छा चलो बताओ. 24 इयर्स का लड़का था और वो एक 4 फैमिली को मारा उसने. मम्मी डैडी ब्रदर सिस्टर. हाँ. फिर सुनाओ ना. अच्छा और इसके लिए वो भूत बन गए. हाँ फिर और मेरी फ्रेंड थी प्रिया. ओके प्रिया और मैं वो बिल्डिंग में गए. मतलब घर में गए. मैं और प्रिया एक दिन के लिए वहाँ रह गए. अच्छा फिर जब सोए ना
इधर आके सुनाओ, सबको सुनाओ आपने क्या देखा क्या किया और हाँ, फिर उसके बाद में क्या हुआ? और फटाक्षी बेल को पता लग गया कि यहाँ पे चार फैमिली भूत रहते। आपको पता चला? हाँ अच्छा। प्रिया को नहीं, प्रिया को लगा शायद अलमारी खुली होगी और कपड़े कपड़े नीचे गिर गए होंगे। मैंने इसको बताया यहाँ पे चार फैमिली भूत रहते। फिर वो बोली चार फैमिली भूत कैसे? मैंने पुजारी को बुला के वो घर पे लाया। फिर उसने चार फैमिली भूत को एक चेयर थी बड़ी चेयर जो ऊपर बिठाया। अच्छा चार फैमिली को बिठाया और नमो हरि अंतराम ये सब सुनाया। तो बहुत अच्छा किया। और फिर वो मुक्ति दिला दी। फिर हाँ हाँ याद आया, नहीं नहीं ये नहीं था, वहाँ पे लिखा हुआ था सबसे पहले नाइस होम। उस उन्होंने वो स्टिकर हटाया और वहाँ पे लिखा फोर फैमिली घोस्ट। फिर मैं और प्रिया जब आए थे ना, हम मैंने उसको पढ़ा फोर फैमिली घोस्ट। फिर मैं यू शॉक रह गया। शॉक कैसे रहते? फिर प्रिया को भी शॉक लगा। हम जैसे घर में घुसे तो क्या देखा? चद्दर भी उलट पुलट हो रखा था, कपड़े भी नीचे गिरे हुए थे, उठने किया था। अच्छा फिर तो डैडी भूत थे ना, वो सो रहे थे सुबह। डैडी भूत सब बहुत सोते हैं ना सुबह तो। हाँ सुबह रात को, रात भर उनको काम रहता है ना। हाँ शिकार करना पड़ता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ बताओ? फिर उसके बाद में मम्मी सिस्टर ब्रदर और पापा सब सो रहे थे। अच्छा फिर मैंने सबको अच्छा किया, मतलब मैंने और प्रिया ने सबको सही किया। वो चद्दर को सबको? हाँ। अच्छा फिर और जैसे ही रात हुई हम भाग के सोने के लिए सोए। जैसे ही मेरे को नींद आई और प्रिया को भी नींद आई, मम्मी डैडी ब्रदर सिस्टर उठ गए। अच्छा वो भूत उठ गए। फिर हाँ उन्होंने किचन में गए। उस किस में गए? किचन में। अच्छा मुझे लगा चिकन में गए। चिकन में नहीं किचन। किचन में क्या हुआ? फिर उन्होंने लाइट ऑन की फ्रिज ओपन किया और उससे ना सा दूध निकाला बंद किया और जैसे ठरकते गए मेरे ऊपर पिया के ऊपर हम दोनों उठे। फिर मैंने लाइट ऑन की, फिर जाके वो सोए। जैसे मैंने लाइट ऑफ की फिर वापिस आ गए, लाइट ऑन की वापिस चले गए। ऑफ की ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे ही पूरा हो गया सपना है ना? नहीं। अरे बाप रे, और इतना बड़ा सपना है क्या? थोड़ा सा ही बाकी है, तो सुनाओ ना। हाँ तो सुनाओ ना। टिप पॉइंट सुन लो। ऐसे एक घंटा करते रहा। मैंने स्टिकर को पढ़ा वापस फोर फैमिली गोस्टो, वहाँ पे फोर फैमिली को फिरा भी मेरे पीछे। अरे बाप रे। फिर तो फिर मैं फटाफट रात
ऐसा सपना देखा फिर माय गॉड ये क्या फिर वो भी मेरे साथ फर्स्ट रन किए और फिर घर पहुंचे वो घर पे उसने ऐसे सोफा टाइप जो चेयर थी ना उस पे बिठाया और नमः टाइम जैसे सब कुछ गिना वो फेलिंग्स में बदल गए वाह और फिर उन्होंने बोला थैंक यू मुक्ति दिलाने के लिए जैसे उन्होंने ये बोला वो गोल्डन और सिल्वर स्पार्कली होके चले गए अच्छा वो एकदम से होके ना देखा वाह उनको पूछो उन सबको आपको सपना अच्छा लगा चीनी का आपको सपना अच्छा लगा मेरा ये तो किसी भूतिया स्टोरी के जैसा सपना था कैसे लग रहा है चीनी को खादो चीनी को वाह चीनी ने कितना अच्छा ये क्या है चीनी व्हाट इज दैट हेल्दी फूड ट्री ओ वेरी गुड हेल्दी फूड ट्री तो ये एक कबूतर वहां देखो वो देखो एक कबूतर वो छुपा हुआ है और एक ये इसका साथी तो वो जो छुपा हुआ है ना वो सफेद आया है देखना मैं बताती हूँ और ये वाइट कबूतर ना बहुत नोटी है दिस वन देखा ना आपने कैसे छुपा हुआ है टेबल के नीचे जैसे कोई देख ही नहीं रहा हो कैसे छितरिया छितरिया कर दिया देखो कहाँ कहाँ से काट दिया वीडियो कॉल